चंपतराव जी, जय नमस्कार, श्री राम। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। आप तो आज पूरा विश्व में आपका बात होता है राम जन्मभूमि के साथ साथ। मेरा नहीं, राम जन्मभूमि की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट माइन, एब्सोल्युटली। तो लोग इधर इतना लोग आते हैं, विकास सारे तरफ होता है। तो इधर का विजन क्या है, क्या और 5 साल में किधर, या 2 साल में किधर लगेगा, अयोध्या कैसा दिखेगा, कुछ बता सकेंगे हमें? 2 साल बाद अयोध्या कैसा दिखेगा कि 5 साल बाद कैसा दिखेगा, तो हो सकता है 2 साल अवधि कम हो, लेकिन हाँ 5 वर्ष बाद अयोध्या ऐसा दिखेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, किसी ने कल्पना नहीं की। केवल सड़क, हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन, ये आधार नहीं है मेरा, ये तो है ही। हाँ जी, रेल मंत्रालय जिस ढंग से अयोध्या के रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट कर रहा है, 60-70 हजार, 80 हजार आबादी का कस्बा, रेलवे स्टेशन ऐसा लग रहा है जैसे मानो पहले कुछ भी नहीं दिल्ली का हो। हाँ जी, हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय है, 1500 एकड़ में नई अयोध्या, जिस अयोध्या को 40-45 मिनट के अंदर पैदल नापा जा सकता है फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर, उसके चारों ओर रिंग रोड, 5 जिलों को कवर करती हुई 84 कोसी परिक्रमा की 300 किलोमीटर सर्कुलर रोड, अयोध्या जैसे छोटे से कस्बे में 4 लेन सड़कें, ये तो आधुनिक है। लेकिन अयोध्या का प्राचीन गौरव यहां के कुंड हैं, उन कुंडों का विकास होगा, वो यहां की, यहां के सौंदर्य के प्रमाण है। तो ये अयोध्या अनोखी, अद्भुत, अद्वितीय होगी। तो यहां का सुंदरता लाइट देखने दुनिया नहीं आएगी, यहां से कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा लेने के लिए यहां लोग आएंगे। पांच सौ वर्षों तक सतत मरते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, पीटते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और अंततः विजय प्राप्त की, या अंततः सच्चाई को सारी दुनिया ने स्वीकार किया। इसको हार जीत से ना जोड़ा जाए, ये विषय है सत्य की स्वीकारोक्ति। तो इससे सीखने के लिए दुनिया यहां आई। अब अयोध्या तो राम के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो आएगी तो राम, ये कौन है, कौन थे, तो उसको पढ़ेगी, तो राम के जीवन से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अयोध्या आएगी। ये कल्पना है, बाकी सड़कें तो कहीं भी अच्छी हो सकती हैं, हवाई अड्डे तो एक से एक अच्छे दुनिया में हो सकते हैं, परंतु वहां जीवन को अच्छा बनाने के लिए कौन सा प्रेरणा का केंद्र है, वो अयोध्या में मिलेगा। बट दिस इज द डिफरेंस। एब्सोल्युटली, ये तो आप जैसा बहुत सही बोले, रिंग रोड ये वगैरह सब सिटी सिटी में आजकल मिलने को चालू हो गया। हाँ, तो फिर
इधर गुरुकुल कोई होगा, इधर का विकास का मॉडल क्या होगा, देखिए गौशाला होगा, गुरुकुल होगा, पूरा अपना प्राचीन का। कहीं भी गुरुकुल हो सकते हैं, कभी भारतवर्ष के हर गांव में गुरुकुल, कुल कुल माने घर, एक गुरु रहता था, वो अपने घर में बच्चों को पढ़ाता था, इसका नाम गुरुकुल। आज उसका रूप बदल कर हो गया स्कूल, मिताली वो स्कूल हो गया। ये तो एक अलग बात है। तो हर गांव में स्कूल हो सकते हैं, लेकिन अयोध्या ये जाना जाएगा राम से, राम के जीवन से, राम के, राम ने एक पिता के रूप में कैसा व्यवहार किया, राम ने एक पुत्र के रूप में कैसा व्यवहार किया, राम ने भाई के रूप में कैसा व्यवहार किया, राम ने बड़े बड़े ऋषियों के सामने सेवक बनकर कैसा व्यवहार किया, राम ने मित्रता कैसी निभाई, राम ने कृतज्ञता का कैसे भाव प्रकट किया, राम ने जीवन में कभी किसी को दोष नहीं दिया, राम ने अनुशासन का जंगल में भी पालन किया। पिता ने कहा वनवास, तो सुग्रीव का तिलक करने के लिए सुग्रीव के राज्य में नहीं गए, विभीषण का तिलक करने के लिए सोने की लंका में नहीं गए, लक्ष्मण को भेजा। तो ये डिसिप्लिन अगर सीखना है तो राम, तो अनुशासन, दोषारोपण नहीं करना। राम ने राज्य किया तो राजाज्ञा भंग करने पर अपने छोटे भाई को भी दंडित किया। तो अगर यह सीखना है तो अयोध्या आना पड़ेगा, अन्यथा ये बाकी चीजें तो गुरुकुल कहीं भी हो सकते हैं। सारे हिंदुस्तान में गौशालाएं हैं, यहां हर साधु गाय पालता है, ये आइडियल नहीं है। आइडियल है राम, राम का जीवन, राम का आचरण। आप ये बोलिए कि आप इधर बिल्डिंग गिरने के समय में भी थे, अभी थे, बन रहा है अभी, आपको मन में क्या हो रहा? मुझे लगता है हमने कुछ भी नहीं गिराया, हमने कुछ भी नहीं बना रहे, हम तो हिंदुस्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1528 में विदेशी आक्रांता के हाथों भारतीय सेना पराजित हुई, राज्य करते, मंदिर क्यों तोड़े? तो मंदिर तोड़े जाते हैं समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए, मॉरली डाउन करने के लिए। हम उस खोए हुए मॉरल को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने सम्मान की रक्षा लगातार 500 साल कर लड़कर भी कर सकते, जैसा इज़राइल ने लगभग 1800 साल तक लड़कर अपनी भूमि को वापस प्राप्त किया। अब दुनिया में एक दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान का हो गया। बिल्कुल, ये जो विकास हो रहा है इधर, तो ये प्राचीन आश्रम जो है इधर, बहुत सारा प्राचीन आश्रम है, इनका भी विकास होगा, इनका जैसा हनुमानगढ़ी है, मैं जहाँ हूँ अभी रंग महल उधर ही पास में है, बहुत सारे ऐसा आश्रम है, इनका क्या होगा? कभी अयोध्या में बहुत लिमिटेड जनता दर्शन करने आती थी, वो भी अयोध्या के आसपास के 300-400 किलोमीटर के घेरे के लोग आते थे। मैक्सिमम लोग ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग आते थे, बहुत ही गरीब लोग आते थे, मध्यम वर्ग के लोग आते थे। अब यहाँ दिल्ली आता है, पंजाब आता है, पूरा भारत आता है। सारा भारत आता है,
तो जब ये आएंगे तो यहां कुछ खाएंगे, कहीं रहेंगे, सारा देश श्रद्धा के कारण आता है, किसी ना किसी मठ मंदिर से वो जुड़ेंगे, किसी ना किसी के मन में भावना प्रकट पैदा होगी कि इस मंदिर का अच्छा रूप बना दिया जाए। जब से राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ है, अयोध्या का रूप धीरे धीरे स्वतः बदल रहा है, तमाम स्थान अपने में वैभव प्राप्त कर रहे हैं। मैं फिर बताऊं, मैं बिल्डिंगों की सुंदरता में विश्वास नहीं है मेरा। बिल्डिंग तो आज सुंदर है, कल वो पुरानी हो जाएगी। आज पैसा है तो हमने अच्छा बना लिया, पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन अयोध्या जानी जाएगी प्रेरणा का केंद्र, ऊर्जा का स्रोत, यह होगा न्यूक्लियस जहां से ऊर्जा मिलेगी जो दुनिया के जीवन को प्रकाशित करेगी। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि तो मतलब ये रहेंगे, ये प्राचीन सब रहेंगे, ये और कुछ लोग डरते हैं कि विकास होगा, क्या होगा, अपना क्या होगा बोल के, इसलिए भी देखो, डर तो हिंदू डरने के आदि हो गया है। डर एक वृत्ति का नाम है, भयभीत। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, डरना, डरने वाले डरते ही रहेंगे। आदमी आसानी से परिवर्तन को पचा नहीं पाता है, जीवन में ठहराव आ जाता है, सोचने में भी ठहराव आ जाता है, जड़ता निर्माण हो जाती है, जैसा है वैसे ही बने रहना चाहता है। और जब परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है, बीमारियां पैदा होती है शरीर में, समाज में भी जब परिवर्तन होगी तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, मतलब, लेकिन डर तो भगवान ही निकालेगा, हम नहीं निकालेंगे। अच्छा, डर नहीं निकलता, डर तो भगवान ही निकालता है। निर्भयता पैदा करना परमात्मा का काम है। बिल्कुल, मतलब ये प्राचीन चिन्ह रहेंगे। मंदिर कभी खत्म होंगे क्या? अयोध्या की पहचान मंदिरों से है, अयोध्या की पहचान मंदिरों से है, लेकिन अयोध्या की पहचान राम जन्मभूमि से है, राम से। राम अगर अयोध्या में से निकाल दिए जाए तो बिल्कुल, यहां रहने वाले साधु सीताराम सीताराम करते हैं, और वृंदावन मथुरा में रहने वाले राधे 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 करते हैं। वो पहचान कृष्ण से है, राधा से है, तो यहां राम से है। बिल्कुल, तो राम निकाल देंगे तो क्या बचेगा? और राम की स्थापना होने के कारण से, राम की स्थापना होने के लिए अगर दो चार स्थान शिफ्ट हो रहे हैं, खत्म कुछ नहीं होता है, शिफ्टिंग, इसमें परेशानी की क्या बात है? बिल्कुल परेशानी क्या बात है? बिल्कुल, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सब मेहमान बैठे हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इधर रिंग रोड सब आ रहे हैं, तो ये कॉरिडोर बन रहे, तो इधर का 5-star होटल्स आएंगे, ये आएंगे, यू नो, ये सब पूरा टूरिस्ट स्पॉट होगा, तो इसका जो इधर तीर्थ स्थान ये फिर भी बनाए रहेगा, या इसका रिस्ट्रिक्शंस उठाया जाएगा, ये पूरा टूर, क्योंकि विदेश से बहुत लोग आएंगे इधर? देखो, अयोध्या टूरिस्ट सेंटर नहीं है, नहीं बनेगा, है ही नहीं। अयोध्या तीर्थ यात्रियों का केंद्र है, ये तीर्थाटन पिलग्रिमेज है। टूरिस्ट सेंटर का मतलब है लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तफरी करने के लिए जाते हैं, यहां पर भक्ति के लिए आते हैं। नैनीताल मसूरी में जाते समय मन के विचार कुछ और रहते हैं, और जब वैष्णो देवी और बद्रीनाथ जाता है तो मन के विचार कुछ और रहते हैं। तो अधिक यात्री आने का मतलब टूरिज्म नहीं है, वो तीर्थाटन है। चूंकि सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने
एक शब्द टूरिज्म डाल दिया। दुनिया में अच्छे संस्कार देने का कोई स्थान ही नहीं है, वहां जो कुछ है मौज मस्ती है, और हमारे यहां मौज मस्ती से अलग हटकर भी कुछ है। एक नौजवान नव विवाहित जोड़ा जब बर्फ में जाता है तब उसका चिंतन कैसा होता है पति पत्नी का, लेकिन वही जोड़ा जब गंगा जी में हरिद्वार में बैठता है तो उसका विचार बदल जाता है, अंतर्भाव बदल जाते हैं। जब वो बाबा विश्वनाथ के सामने जाएगा तो अंतर्भाव बदल जाएंगे। तो ये टूरिस्ट सेंटर नहीं, ये पिलग्रिमेज सेंटर है बिल्कुल, और ये तीर्थाटन ही रहेगा। और इसे लाख दुनिया कोशिश कर ले पर्यटन करने की, आज भी कहीं जहां तीर्थ हैं वहां मांस मदिरा नहीं है, फिर भी नहीं होगा, यही चिंता है। चिंता किसी को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीनेशनल होटल के साथ ये सब आ जाता है। कहीं भी जहां तीर्थ हैं, वृंदावन तीर्थ है कितने प्राचीन काल से है, बिल्कुल वो सुरक्षित ही रहने वाला है। बिल्कुल, आप ये आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं ये एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ऊपर एलिगेशन आया, आपको कैसा लगा उस कुछ वक्त? भी नहीं लगा, नहीं लगा वो, मगर आम आदमी पार्टी आपके ऊपर लगा या पूरा प्रचार किए? देखो बात सुनो, ये आपको कैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा। दूसरे लोग जब आरोप लगाते हैं तो मैं सोचता हूँ वही तो उनका प्राण है, आरोप नहीं लगाएंगे तो उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? दर्द लगा? कुछ भी नहीं लगा, तनिक भी विचार नहीं आया, नींद नहीं गया, कोई सवाल ही नहीं, क्रोध नहीं आया, कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सच में। अरे सच और झूठ क्या होता है, सच और झूठ क्या होता है, जो मैं कह रहा हूं वही सच? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। खत्म हो गया, मैंने बोल दिया एक बार, और आरोप लगाने वालों ने भी दोबारा नहीं दोहराया, और आरोप लगाने वालों का साथ कांग्रेस ने भी नहीं दिया, आरोप लगाने वालों का साथ समाजवादी पार्टी ने भी छोड़ दिया, और आरोप लगाने वाले बाद में यहां सब आए, बिल्कुल आरोप लगाने वाले आदमी आए, उनकी दल के लोग आए, पत्रकारों ने पूछा आरोप पर क्या कहना है, उन्होंने कहा कुछ नहीं कहना है। क्यों संजय जी? तो इसलिए हम समाज में काम करेंगे, तो अगर समाज हमें आदर देगा तो समाज में दो चार लोग हमें मारेंगे भी। बिल्कुल, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, फूल हमारे तो जूते कौन खाएगा? तो वही समाज में रहेंगे तो फूल भी लेंगे तो जूते भी खाएंगे। बिल्कुल, जिस किसी को जूतों से डर लगता हो वो अपने घर बैठे, समाज में तो ये सब चलने वाला है। समाज ने आरोप तो सीता जी पर भी लगा दिया, राम ने सीता जी को वनवास भेज दिया, तो ना तो सीता का पवित्र समाप्त हुआ और ना आरोप लगाने को स्वर्ग मिला, ना उसको किसी ने सम्मान दिया, तो दुनिया में चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए, आपने इतना समय दिए और बात किए उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।